दीपक गोयल है जी न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ उनको वहां पे बताया हाँ तो उन्होंने मुझे जो है तुरंत वहाँ इमरजेंसी में भर्ती कर दिया जी और मैं वहां पर लगभग जो है 16 तारीख से और 22 तारीख तक वो एडमिट रहा। जी तो वहां में मेरी दवाया चली और अब मेरा जो है हिमालय अस्पताल में ही वहां पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। जी अब धीरे धीरे जो अब मेरे हाथ में थोड़ा सा मूवमेंट तो होने लगा है जी और हाथ भी है जरा से ऊपर होने लगा है। जी वैसे वैसे मेरी हथेली से ऊपर ये हाथ तो ठीक था हाँ लेकिन यहाँ ज्यादा वीकनेस आ गई थी इसमें। अच्छा उस वीकनेस के कारण जो ये हथेली से आ गई, इसने काम करना बंद कर दिया था। जी तो अच्छा पैर ये थोड़ा पैर में मेरी जो है हाँ कभी कभी यहाँ पे चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जी कभी इस पैर में यहाँ दर्द होता है, कभी इस पैर में यहाँ दर्द होता है। जी जी तो यहाँ की प्रॉब्लम हुई थी वो ठीक हो हाँ, गई है। ये जी मेरे ये की दाएं दाएं उसका ये चेहरा जो है यहाँ से खराब हो गया था पूरा। जी अब थोड़ा सा कुछ सुधार हुआ है इसमें थोड़ा। ये सब उन्हीं 7 दिन में जा पाए तब कमजोरी आ गई थी ना उसमें, गई है। उसके बाद जो है धीरे धीरे जब इलाज शुरू हुआ जी तो धीरे इसमें जो है सुधार हुआ। जी अभी मेरी हिमालयन अस्पताल से दवाई चल रही है हाँ और वो लगभग डॉक्टर डॉक्टर दीपक गोयल ने 10 मार्च से की दवाई मेरे को दी। जी 10 मार्च से की दवाई खानी है जी और शुगर बीपी की दवाई मेरी रेगुलर चल रही है। जी जी बीपी की हाँ ठीक है बीपी हाँ शुगर बीपी की जी अब थोड़ा कमजोरी महसूस हो रही। हाँ अब मेरे को थोड़ा कमजोरी महसूस हो रही है अभी। भूख ठीक लगती है? हाँ भूख ठीक है। और वो टेस्ट MRI वगैरह हाँ जो हमारे वो थे टेस्ट हिमालय अस्पताल में जो हमारे हम टेस्ट करवाए उसमें MRI इको एक्सरे कलर डॉपर और एक टेस्ट ECG ये हमारे 5 टेस्ट हुए थे। इनको देखकर ही उन्होंने मुझे जो है वहां पे दवाई दी। अच्छा ठीक हो गया।